गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 9th मार्च 2024, सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मौसम बहुत क्लियर है और अभी भी सुबह ठंड हो रही है। अभी मैं ग्रिल को छू रहा हूँ तो इसको छूने का मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसलिए मॉर्निंग सफारी करना अभी भी पॉसिबल नहीं है। अप्रैल मई में ही मेरी मॉर्निंग सफारी होगी। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड सोनीपत से देहरादून आए हुए हैं अपनी वाइफ और एक बच्चे के साथ, तो उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप पैसिफिक गोल्फ में देख लीजिए, एयरबीएनबी के फ्लैट मिल रहे हैं तो आप उनको बुक करा लीजिए 1 BHK आप आ रहे हैं तो। लेकिन पता नहीं उन्होंने बुक कराया होगा या नहीं कराया होगा। मोहन की सफारी थी आज शाम की जो कि नहीं मिल पाई, पूरी फुल चल रही है भाई मोहन की सफारी, और सुबह की उन्हें करनी नहीं थी क्योंकि उनके साथ छोटा बच्चा, भी ठंड हो रही है। हालांकि मैं गाँव में जाऊँगा मामा जी के लक्ष्मी के साथ, तो हम जाते हुए मॉर्निंग सफारी करने की कोशिश करेंगे मोहन की, अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी भाई मौसम बहुत साफ है, बहुत प्यारा दिन है। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह काम पे लगना पड़ रहा है। जो ईशान भाई वाला प्लॉट है उसको अभिषेक भाई को दिखा देता हूँ, वो आ रहे हैं बस। एक्चुअली वही बनाएंगे ना, वही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं को मैंने प्लॉट दिखाया नहीं है, आज से काम चालू करवाते हैं। इन्होंने जो घर बनाया था ना अभिषेक भाई ने, वो वाला वो भी खाली हो रहा है, उसको कोई रेंट पे था, उसको भी इनको पूरा रेंट पे देना है। तो अभी मैं देख के आऊंगा उस घर को भी, उस घर कैसा है, वो कितने पे रेंट पे देना चाहते हैं ये। चलो आगे अभिषेक भाई, चलो। सो गाइस प्लॉट पे आए थे तो देख लिया है। तो अभिषेक भाई के साथ मीटिंग होगी है भाई, रविकांत भैया को देख लेते हैं या नहीं, 10 बजे इनको भी चलना है। छोटू भैया कहाँ पर हैं? बच्चों को स्कूल लेकर 10 बजे जाना था मुझे फ्लैट पे। चलो मैं उनसे ही फोन करके पूछूंगा। तुम कर क्या रही हो आज सुबह से, मतलब 2-3 घंटे हो गए तुम्हें पानी में झुगलते झुगलते, ये पायदान घूम। अभी ईशान भाई भी आ गए हैं, अभी जा रहे हैं अभिषेक सैनी भाई के घर पे, उनके ऑफिस में उनसे मीटिंग करने। आज फाइनल करते हैं भाई इस काम को, फिर कल से ये काम चालू करवाते हैं। सो भाई अभिषेक भाई के पास आए थे, मीटिंग तो हो गई है, बस अब चलते हैं घर की तरफ, फिर जाएंगे पार्टी में बंसल जी की। ये बिल्डिंग पूरी अभिषेक भाई की, यहाँ से पूरा देहरादून दिखाई देता है क्योंकि हाई बैंक पे बनी हुई है। चलो भाई चाय फॉर पब्लिक पे थोड़ा ब्रेक लिया है। और जी कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, बस बहुत दिनों में आना हुआ आपके पास। तो भैया कैसा दिया बना रहे हैं? कैसा दिया? ये मैक्सिकन डिश है। चलो भाई मसाला चाय, चाय फॉर पब्लिक की मसाला चाय पी रहा हूँ पहली बार, देखते हैं कैसी है। तो चाय के साथ साथ हमने मंगाया है सैंडविच, अब इसको ट्राई करेंगे इनका सैंडविच कैसा है। दोस्तों बैक टू होम, और यहाँ पर ये लक्ष्मी पकड़ी गई है सोन पापड़ी खाते। पता रात को 1 बजे सोन पापड़ी खा रही थी, मैंने बोला अब खा सकती है अब। ये पाम ऑयल प्लस शुगर प्लस रिफाइंड प्लस मैदा, खा लो, ऐसा खानी चाहिए सोच के कि हम खा क्या रहे हैं। और भाई अमेजोन से हमने कुछ मंगाया है, एक तो कार साफ करने का, ये सब सुपर है। ईशान भाई के पास भी है उनकी किया सेल्टोस में, और अभिषेक भाई के पास भी देगा, तो मैंने तुरंत मंगा लिया भाई। इससे 1 सेकंड में कुछ भी साफ हो जाता है, आप ऐसे भी फेरोगे ना टीवी पे तो एकदम से साफ हो जाता है। तो भाई दो तो ये सोप स्टैंड आए हैं, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्रोटेक्टेड है तो इसे ड्राई रहती है सोप, इससे का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी को मंगाना भाई जरूर मंगा लेना, ये बहुत यूजफुल चीज है। दोस्तों देखो ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है और ये चिपक गया भाई, ये यहाँ पे सक्शन वाला है, भिन्नता नहीं है और इस तरह से लग जाता है ना बेस्ट। ये लो अभी से एक भाई की फैक्ट्री से चाप लाया हूँ, इसको कल बनाना, आज मत बनाना, आज मैं जा रहा हूँ रिसोर्ट में बंसल जी की पार्टी में, ठीक है, इसको मैं फ्रीजर में रख देता हूँ। सो दोस्तों अभी सीन ये है कि आज माल देवता में पार्टी है बंसल जी की, पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो अभी से एक सैनी भाई के साथ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। आई थिंक मैं जो वहीं पे रुकना पड़ेगा, तो कल सुबह आएंगे वापस घर पे। और भाई बालकनी से व्यू दिखा देता हूँ क्या मस्त, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं 5-10 मिनट बाद, और देखो व्यू क्या पीली पीली धूप आ रही है। आज विंटर लाइन दिखेगा भाई मसूरी से, ऐसी कंडीशन जब बनती है ना तब दिखता है। अब सर्दियाँ जा रही हैं, अब भाई गर्मियों वाला फील आने लगा है, अब कह सकते हैं कि हाँ गर्मियाँ आ गई हैं, और इसी के इसमें तो कम्प्लीटली हो गई है। सैनी भाई भी आ गए हैं, चलो चलते हैं। भाई ये बहुत तेज भगा के ला रहा है, बिल्कुल चढ़ा दी इस पे ऊपर UP 32 वाले ने, बहुत तेज चढ़ पी रखी है क्या, बहुत तेज ला है। गाड़ी बंद कर दो, पहले गाड़ी बंद करो, जावा देखा ही नहीं बिल्कुल भी। बच गई सही टाइम पे रुक गई, बस बच गया भाई, हमारे सामने बहुत तेज लाई। एक्चुअली हम तो अपने रास्ते जा रहे थे इधर से, ये बहुत तेजी से लाई यहाँ पे, पहले यहाँ पे लगी, यहाँ पे उछली और भाई पूरा चढ़ा दी और बच गई भाई। ये देखो एच पे है, बिल्कुल एच पर है, एक बार इधर जाती पलट जाती, और आगे भी तो गड्ढा है, बहुत गड्ढा है उस तरफ भी, बच गया भाई। चलो हम तो आगे चलते हैं, हम तो अपने माल देवता रिजोर्ट पे ही जा रहे थे, और ये देखो माहौल सुस्त धारा वाला ये। अब धीरे धीरे लोग रुकेंगे, देखेंगे कुछ हेल्प करेंगे, भाई हम तो लेट हो रहे हैं।
चलते हैं। सो दोस्तों 7 बज रहे, हम पहुंच चुके हैं नीदम रिजॉर्ट में। ये फोटो खिंचवाने के लिए रखा हुआ है इन्होंने, और ये है भाई पूरी बिल्डिंग जिसमें स्टे हूं। आई होप कि मैं रात को यहीं रुकूंगा। अमित भाई कैसे हैं? अरे दी। बस बढ़िया। नमस्कार जी। सो भाई देखो क्या माहौल बना हुआ है, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वंस भी आए हुए हैं। सो जैसे जैसे प्रोग्राम होगा एंजॉय करते हैं। तो भाई 8:55 हो रहे हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बोनफायर स्टार्ट कर दिया क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो गई है। बस सब इधर ही बैठे हुए हैं, बाकी सब पूरा एरिया खाली है। उस तरफ खाना बन रहा है, वहाँ पे किचन है, वहीं से वो सर्व कर रहे हैं, स्नैक्स आ रहे हैं यहाँ पे, और चारों तरफ शांति। काफ़ी लाइट पड़े हैं भाई इस एरिया में भी, ऊपर कुछ गाँव हैं तो उनकी लाइटें दिख रही हैं। ये देखो नीदम रिजॉर्ट, कभी किसी को बुक करना हो भाई कर सकता है, गूगल पे कर लेना नीदम रिजॉर्ट, और मेरा नाम ले लेना, नितिन शर्मा इसके ओनर हैं, मेरा नाम ले लेना भाई, सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे देखा था इसलिए कॉल किया, यहाँ पे आके बैठ। वो स्विमिंग पूल है सामने, उसमें पानी भरा हुआ है लेकिन कोई नहा नहीं रहा। चलो दिखाता हूँ स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल है, कोई भी नहीं नहा रहा भाई, सब वहीं बोनफायर के पास खड़े हैं। मेरा तो मन कर रहा है भाई नहाने का रियली में। नदी का पानी भर रखा है इन्होंने, बिल्कुल नेचुरल स्प्रिंग वाटर। ये देखो ठीक है भाई, पानी तो इतना ठंडा नहीं है, नहाने लायक है। सुबह थोड़ी नहाएगा कोई, नहाएंगे तो अभी नहाएंगे, मजा आ जाएगा। अभी से एक भाई को बोलता हूँ अगर कोई साथ दे तो। सुबह खाना तो खा लिया, कुछ डेजर्ट खाते हैं। सुबह देखो ये यहाँ पे आके बैठ गए, इसका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम, नहीं नहीं बताना नहीं है, बताना नहीं है इसका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम से मिलता है वो, तो फिर ऑफेंस हो जाएंगे भाई। तो ये देखो कितना प्यारा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है नितिन भाई, मिलते हैं ना। तो ये नितिन भाई भाई ओनर है नीदम के, तो गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं नीदम रिजॉर्ट, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल करके। ठीक है नितिन भाई, मिलते हैं ना। ओके थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है बंसल जी, ओके बाय, है ना। ओके ओके भाई, देखो रिजॉर्ट के बराबर में बासमती चावल है। ये देखो ये देखो यहाँ पर यहाँ के बासमती चावल इतने अच्छे नहीं है जितने कि सेलाकुई की तरफ के हैं, जो मेरे सुनने में आया है। पर ये गांव के लोग बेचते नहीं है, सिर्फ अपने लिए रखते हैं। ये देखो कटने भी चालू हो गया वहाँ से। और इनके रूम दिखा देता हूँ भाई, देखो रूम इस प्रकार हैं, कभी आप आओ। वैसे तो मैंने दिन में भी दिखाए हैं, काफ़ी अच्छे रूम हैं, लकड़ी की महक आती है। चलो भाई अभी से एक भाई के साथ ही आए थे, यही ड्रॉप करेंगे। चलो ठीक है भाई, 12:15 हो गए हैं, अभी से एक भाई ने मुझे ड्रॉप कर दिया घर पर, हम घर पर सोते हैं। तो दोस्तों मैं तो रिजॉर्ट पे गया था और ये ना आज फिर स्किन रॉबिसन द कूल केक लाए थे, देखते हैं कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज है 10 मार्च 2024, और आज है संडे। काफ़ी अच्छा दिन है, गर्मियों की तरफ दिन जाने लगे हैं, वो सर्दियों वाला जो फील था वो हल्का हल्का सा पीछे छूटता जा रहा है। आज क्या बन रहा है, तुम क्या कह रही थी? अब मटर है तो डाल दो। हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज होगी, नहाना धोना भी हो गया, सेविंग भी होगी। सो लक्ष्मी बना रही है प्यारा प्यारा नाश्ता, और आज ब्रेकफास्ट में इसने बनाया पनीर। इसके हाथ का पहली बार पनीर खाएंगे ये वाला। और आज हमारे घर में मैदे की रोटी बन रही है, मैदा मतलब आटे की, क्योंकि मल्टीग्रेन खाते हैं ना नॉर्मली, तो भाई देखो मल्टीग्रेन कभी कभी ना ये नॉर्मल आटा आ जाता है तो हमें ये अच्छा नहीं लगता, मैदे की तरह खिंचता है ना ये। देखो ये बहुत हार्मफुल होता है भाई, आप लोग भी मत खाया करो। के साथ अच्छा लगेगा इसलिए बनाया है, हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्यों बनाया फिर इसकी आदत पड़ जाती है। चलो ठीक है, बना दिया तो खा लूंगा। कोशिश करो कि मल्टीग्रेन ही हो भाई, लक्ष्मी बना देती है कभी कभी, इसको आदत डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं धीरे धीरे। देखो क्या हो गया, आइसक्रीम का एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ भाग गई, चाप के ऊपर भाग गई आइसक्रीम। अब इसको आराम से उतारना पड़ेगा। पता है ये वो वाला रेफ्रिजरेटर नहीं है जो आइसक्रीम के लिए होता है, इसमें ना पता क्या करना पड़ेगा, अभी पावर सेवर हो रहा है, ये फास्ट आइस वाला होना चाहिए, तब वो करेगा ये। अमेज़न से एक चीज और मंगाई है मैंने, ये विलन का परफ्यूम, पहली बार मैं परफ्यूम मंगाया भाई, थोड़ी सी रिसर्च की थी, अब इसका देखते हैं कैसा स्मेल है भाई। ये विलन का परफ्यूम इतना अच्छा नहीं लगा, सबसे अच्छा एनवी है अब तक का। तो ठीक है दोस्तों, मैं और लक्ष्मी और मम्मी जा रहे हैं एक मंदिर, शुद्धो वाला, यहाँ पर ना एक मंदिर है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, प्रेमनगर से आगे शिमला रोड की तरफ है वो, देहरादून से रोड शिमला जा रही है ना वहाँ पर है वो मंदिर। मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे ना 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ानी पड़ती है, तो फिर यहाँ से दून दरबार से 5 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ ले लेते हैं। और भाई गाजर का हलवा ना अभी तक चल रहा है मार्च में भी। ये देखो गुंजिया भी आ गई है भाई, देखो गीदड़, देखो गीदड़ भाई, देखो गीदड़, और इसको ना ये कह रही कुत्ता है गीदड़ है, अंदर चला गया उसमें। सो दोस्तों मंदिर तो पहुंच गए थे, तो मंदिर में ना भी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे 2-4 घंटे, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी चलते हैं, वहाँ पे डोमिंगो एक पिज्जा वाला है जो कि डोमिनोज से ट्रेंड है, डोमिनोज में काम करते थे वो पहले,
और उन्होंने अपना बाहर खोला हुआ है पिज्जा, तो उनका काफी फेमस है, तो वहाँ चलते हैं। बंसल जी की दुकान भी है काटी रोल, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो मालूम है ही। तो भाई मैं यहाँ पे आया था, बंसल जी की दुकान तो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है, यह है डोम पिज्जा, चलो इस पे चलते हैं। तो मैंने गार्लिक ब्रेड ले लिया, देखो बिल्कुल वैसी बना रखी है। ये है पिज्जा डोमिनोज की तरह बनाने का, कॉपी कर रखा है पूरा। तो डोमिनिक की अभी हमने जो गार्लिक ब्रेड और पिज्जा खाया भाई बहुत गंदा था, वर्स्ट, मतलब डोमिनोज के कुछ भी बराबर नहीं था। और इसकी तारीफ कर रहे थे लोग कि ऐसा बनाता है, बढ़िया बनाता है, पर मुझे रियली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, नॉट रिकमेंडेड। एक दाना सा और निकल गया भाई गाल पे यहाँ पे खा के। अब वापस जा रहे हैं मंदिर पे, अभी मम्मी तो मंदिर पे ही है, मैं और लक्ष्मी गए थे थोड़ा घूमने इस तरफ, ये 20-25 मिनट दूरी पे पड़ता है मंदिर से, तो मंदिर में अभी भी नंबर नहीं आया। एक्चुअली यहाँ पे मंदिर में नंबर आता है, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा मंदिर के बारे में। यहाँ पर ना पहाड़ों में जंगलों में काफ़ी शक्तियाँ हैं, अगर जौनसार की तो देवता हैं, देवता बताते हैं कुछ चावल वगैरह में देख के। और यहाँ पे माताएं आती हैं, तो यहाँ पे एक लेडी के अंदर आती है, तो वो भी बताती हैं। काफ़ी पुराना है भाई, बचपन में मम्मी लेके आई थी, तो हम साल में 2 साल में आ जाते हैं यहाँ पे। तो लेकिन जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो चुन्नी वगैरह बदलवानी पड़ती है, तो क्या होता है कि अगर नहीं बदलवाई तो फिर दिक्कत। तो ये ना ड्यूटी है एक, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए प्रसाद चढ़ाया वो नंबर आता ही है, बहुत सारे लोग होते हैं सबके नंबर लिखे होते हैं, तो भाई हम नंबर से ही यहाँ पे नारियल चढ़ेगा, चुन्नी चढ़ेगी, शादी का भी प्रसाद चढ़ाना है, तो अब हमें रुकना पड़ेगा भाई मजबूरी में। 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल तो 8 बज रहे हैं। सो दोस्तों अभी ना मेरी सिस्टर का फोन आया था, वो रहती है वैशाली मेट्रो के पास, मेरे ख्याल से यूपी में ही पड़ता है वो, और भाई उसकी ना कार चोरी हो गई आज, और उनके पास ब्रीजा कार थी, इंश्योरेंस तो था ही, अच्छी बात है, और सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं था घर के सामने। तो उसके जो हस्बैंड हैं वो भाई साहब वो तो जॉब करते हैं आईटी कंपनी में, तो वो वहीं रहते हैं रेंट पे। तो मैंने तुरंत बोला भाई जल्दी से इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करो, चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए दोनों, तो चाबी तो इनके पास है, एक गाँव में रखी है वहाँ पे, और तुरंत पुलिस में एफ आई आर लिखवाओ। तो पुलिस वाले तो आए थे, उन्होंने फोन किया था, तो उन्होंने बोला थाने जाके FIR लिखवा दो, तो FIR लिखवाने गए हैं। बस यही है कि भाई इंश्योरेंस होना चाहिए फर्स्ट पार्टी, अपना पुलिस में FIR लिखवाओ, FIR की कॉपी लग जाती है, दोनों चाबी इंश्योरेंस वालों को दे दो, तो क्लेम आ जाता है, तो क्लेम में लग जाते हैं 1-2 महीने। ठीक है दोस्तों, बैक टू होम, और मंदिर से वापस आ चुके हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया, आज काफी दूर था, 1 घंटे के पूरे देहरादून के ट्रैफिक क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचे। और तुषार घर पे नहीं है क्योंकि तुषार आज पैसिफिक के ए ब्लॉक में रुका हुआ है, Airbnb अपार्टमेंट, क्योंकि सोनीपत से फ्रूटी आई थी, निष्ठा अपनी सिस्टर लगती है वो, और उसका भाई आया हुआ है, तो देखते हैं अगर कल मिलते हैं तो कल मिलवाता हूँ उनसे। तो ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।